मांगरी में डूबे युवक का शव आज सुबह नदी से ही बरामद हुआ। बता दें पहाड़ों में हुई बरसात अंबाला में कहर बनकर बसी है। अंबाला से होकर गुजरने वाली बरसाती नदी टांगरी में पहाड़ों से बहकर आया पानी तबाही मचाने के साथ साथ जानलेवा साबित हो गया। सोमवार दोपहर नदी में आए उफान को देखने के लिए न्यू टैगोर गार्डन का रहने वाला 23 वर्षीय शिवम अपने चचेरे भाइयों के साथ बांध पर गया था। शिवम मिट्टी के जिस बांध पर खड़ा था उसे तेज रफ्तार पानी अपने बहाव के साथ तोड़कर बहा ले गया। बांध की मिट्टी के साथ साथ शिवम भी पानी में समा गया। पानी में शिवम के साथ गिरे उसके दोनों भाई जैसे तैसे तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने शिवम मिट्टी वाले गंदले पानी में लुप्त हो गए। शिवम के नदी में बहने की खबर मिलते ही उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इतना ही नहीं, शिवम को ढूंढने के लिए वार्ड नंबर 15 की पार्षद के पति कमांडो परमजीत ने भी अपनी टीम के साथ पूरी रात शिवम की खोज की, परंतु कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुझे आज सुबह जो सूचना मिली 6:30 बजे आज भी कि जो लड़का कल पानी में डूब गया था उसकी डेड बॉडी जो है खोजकीपुर गांव और करधान के बीच में झुंडों के बीच में फंसी हुई है। किसी युवक ने उसमें देखा, इसके परिवार के लोग जो है सवेरे 5 बजे ही डेड बॉडी को ढूंढना शुरू किया, तो इनको उस टाइम मालूम नहीं पड़ा। किसी लड़के ने देखा उस डेड बॉडी को, तो इनको पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक युवक की जो है डेड बॉडी जो है यहाँ झुंडों में पड़ी है। तो ये परिवार जितनी 10-12 लड़के थे ये वहाँ पर गए और डेड बॉडी को उन्होंने देखा कि ये इसका भाई है, तो फिर उन्होंने निकाल के बाहर लेकर आए। SHO थाना को मेशनगर को सूचित किया, उसके डेड बॉडी मिल चुकी है और जो वहाँ पे अपना कार्रवाई करके अभी डेड बॉडी को जो है मोर्चरी में रख के आए हैं। वो बॉडी है अपने, इसका भाई जो बड़ा भाई है वो बोल रहा है कि हम अपने यूपी के रहने वाले हैं, ये वहाँ पर लेके जाएंगे। जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम करा के इनको जल्दी जल्दी यहाँ से रवानगी दें और जो अपने घर वहाँ जाके जहाँ इसके माँ बाप रहते हैं वहाँ पे संस्कार करें। नदी में आया था तो 12,000 क्यूसिक पानी आया था, जिसकी वजह से पानी काफ़ी था। तो ये जो बच्चा, जो ये बच्चे वहाँ पे खड़े थे, तो इसका जो परिवार का कहना है कि इसका पैर फिसला, जिससे कि एकदम पानी में घाट से सीधा ये जो अंदर डूब गया। बहुत कोशिश की, कल शाम को हमने भी की, मैं भी साथ में था कल, लेकिन उस टाइम इसका पानी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो डेड बॉडी को नहीं मिल सके। आज पानी सवेरे जो नदी का पानी जो उतर चुका था तो इसकी डेड बॉडी इसलिए मिल गई। सुबह जब नदी का बहाव कम हुआ तो शिवम का शव नदी में ही घर से कुछ दूर झाड़ियों में फंसा मिला। शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल एक लड़का शिवम है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यहाँ किराए पर रहता है, माली का काम करता है। उसका पानी का उफान देखने के लिए नदी में गया था, जिसका पैर फिसलने से वो पैर फिसल के नदी में गिर गया, जिसकी डेड बॉडी सारी रात ढूंढते रहे नहीं मिली, आज सुबह डेड बॉडी उसकी मिली है। उसके रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद एक जो भी नियम सरकार होगी अमल में लाई जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रखवा दिया। इंडिया एक्सप्रेस के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।